अनिल विनोद वालों का ये भी आपको भी नुकसान होगा। आज हम सभी नाम बोलूं, आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि हम करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे। संपादित पहले शुरू में प्राणी शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर केसी सोनी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो मंच में पधारें और आज का आतिथ्य ग्रहण करें। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। मैं आज इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि बीकॉम एमकॉम व एलएलबी करके राजस्थान न्यायिक सेवा में 2002 में चयनित होकर बीकानेर नागौर हनुमानगढ़ गंगानगर चित्तौड़गढ़ व वर्तमान में सूरतगढ़ में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। आपके अपने श्री रामावतारी सोनी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और मंच ग्रहण करें। आप सभी से निवेदन करूंगा मैं एक बार तालियों के साथ हम आज के विशिष्ट अतिथि श्री रामावतारी सोनी। मैं आपकी कर्तव्य ध्वनि इस आयोजन को और चार चांद लगाएंगी। आप सभी से निवेदन करें, जैसा कि भारतीय संस्कृति में आए हुए अतिथियों का सम्मान करना। मैं आज के विशिष्ट अतिथि श्री रामावतार जी सोनी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री दिलीप। रविंद्र जी चतुर्वेदी रतनगर की प्रथम नागरिक एक बार फिर सुनना चाहूंगा। आज का कार्यक्रम अपने रतनगर और थेलासर गांव के कुछ युवा साथियों द्वारा की गई थी। शुरू में यह सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप था, इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग विभिन्न समय में आयोजित बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि समाज के विभिन्न कार्यों में हम सेवा कार्य करेंगे। इसमें शुरुआत की गई कार्यों के लिए श्रीयों के साथ
एक मुठभेड़ के समय 25 अप्रैल 2015 को हम सबको छोड़कर शहीद हो गए थे। हमारे दिलों में नदियों में बह जावा तेरे खेतों श्री स्थान ग्रहण करें, मैं उनसे निवेदन भी करूंगा। माफी चाहूंगा, मैं आमंत्रित करूंगा श्री राजेंद्र जी धरेंद्रा, श्री संपत लाल जी कटारिया और श्री प्रमोद जी सोनी, वो आए आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कैप्टन दिलीप सिंह जी राठौड़, जो इस सैनिक लोकायुक्त टीम के मैनेजर भी रहे हुए हैं। आदरणीय कैप्टन श्री दिलीप सिंह जी राठौड़, जिनका हम सम्मान कर रहे हैं, सभी तालियां बजाकर उनके लिए सम्मान प्रदर्शित करेंगे। सैनिक किसी एक परिवार का नहीं होता, जब वो सेना में भर्ती होता है तो संपूर्ण देश का सैनिक हो जाता है। और ऐसी देवगोड़ा इंद्र कुमार गुजरात व अटल बिहारी वाजपेयी के विशेष निजी सुरक्षा अधिकारी के तौर पर भी सेवाएं दी है। इसके उपरांत 2004 तक आप दिल्ली पुलिस के सुरक्षा विंग में स्पेशल अधिकारी के तौर पर भी कार्यरत रह चुके हैं। 31 दिसंबर 2016 में आप असिस्टेंट कमांडेंट के पद से सेवानिवृत्त होकर हमारे बीच में आए और रतन नगर सेवा संघ के आप सदस्य भी हैं। सामाजिक समाज सेवा में, सामाजिक कार्यों में आप हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहते हैं। श्री विजय कुमार जी गोठवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छुट्टी ना मिलने की वजह से हमारे बीच नहीं पहुंच पाए, आपका सम्मान प्राप्त करेंगे आपके पिताजी श्री महावीर प्रसाद जी पूनिया। तालियां बजाकर प्रसाद करते हैं। मैं निवेदन करूंगा इसी क्रम में श्री किरोड़ीलाल जी मीणा, नारायण प्रसाद जी शर्मा माटोलिया और मोहन जी प्रजापत, वो कृपया धीरे धीरे मंच की तरफ अग्रसर हों। आपकी तालियों की आवाज जाए जिससे ये लगे कि इस प्रोग्राम का आवाज बहुत सुंदर। आपका जन्म 1948 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1965 में सेना के इंजीनियर्स में राज्य में आप भर्ती होकर 1987 तक आपने देश सेवा की और आप नए सूबेदार के पद से सेवान्वित होकर वर्तमान में पेंशनर समाज को अपनी सेवाएं पाना हो तो आपका नाम लिया गया। कृपया काशी के मंच के पास पहुंचने की कृपया। मैं आगे के इसी क्रम में ऐसा ही मेडिकल ब्रांच में आपने सेवाएं दी और 2021 में आप एएसआई के पद से सेवान्वित हुए। वर्तमान में आप रतन नगर में अपना आश्रम का व्यापार कर रहे हैं। आदरणीय संत श्री शिवनाथ जी महाराज पधारे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल से आगे मंच के पास पधारे। गांधी से निवेदन करूंगा श्री शिवनाथ जी को आगे लाके मंच पर स्थान दें, करूंगा कि वो कृपया मंच पे पधारे और इनका सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री भूराराम जी भाटिया, परमेश्वरलाल जी गहलोत और जगदीश जी नायक। रतन नगर फेरा सर के संभ्राम नागरिक सेवा संघ के कार्यकर्ता, विशिष्ट कार्यकर्ता,
मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप सैनिकों का सम्मान करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अनूठा उदाहरण है। सैनिक इतनी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करते हैं जिसके कारण हम आराम से सोते हैं। उनका सम्मान करना भगवान की सेवा करने के समान है। मैं सेवा संघ के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे। इस कार्यकर्ता कार्यक्रम में विजय गोठवाल, संपत तंवर, अमित शर्मा, इनका विशेष योगदान रहा है। ये संघ के बैकबोन रीड की हड्डी हैं, इनको मैं भी धन्यवाद देता हूँ। महावीर प्रसाद जी स्वामी और राजेंद्र जी शिव का इसी क्रम में आगे मांगेराम जी रोड पर हमने रतन नगर से जो सेवा से जुड़े हुए थे उनके नाम उनकी सेवाएं प्राप्त करने का हमारे तरफ से अधिकतम प्रयास किया था। हो सकता है हमसे कोई भूल हो जाए, हो सकता है कोई सैनिक छूट जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा देखिए आप सिर्फ एक तालियों की आकांक्षा के साथ एक बार जोरदार देखते हैं कि तालियों में बड़ा देखिए। अभी समय होली का चल रहा है, मैं जो समझता हूँ प्रदेश में सेवारत है। आप छुट्टी ना मिलने की वजह से हमारे देश नहीं पहुंच पाए, इसलिए आपका सम्मान प्राप्त करेंगे आपके पिता श्री माधव सिंह राठौर। इस कार्यक्रम में हमने ये प्रयास किया है कि पूरा रतन नगर इन सैनिकों के साथ जुड़े, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करे। इसलिए दर्शक दीर्घा में जो गांव सबसे पहले मैं मातृभूमि के वीर सपूतों को नमन करती हूँ जो अपने माथे पे बिना किसी सिकंज के अपने प्राणों की बिना कोई परवाह किए हम लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा सेवारत रहते हैं। और रतन नगर सेवा संघ का हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ उन्होंने जो सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वर्गीय मान सिंह जी भाटी, उनके सम्मान के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं वो कृपया मंच पर पधारें और उनके स्वागत के लिए मंकुराम जी तंवर, मनोलाल जी सेवदा, राकेश जी भट्ट और रामावतार जी कटारिया। रामावतार जी कटारिया जो हम सम्मान दे रहे हैं वो प्राप्त कर रहे हैं आपके पुत्र अनुप सिंह जी भाटी। इसी क्रम में आगे श्री जुल्फी कांस्टेबल जुल्फी खान जी जुल्फी खान साहब और मैं उनके सम्मान के लिए सत्यनारायण जी सोनी और एडवोकेट एडवोकेट भंवरलाल तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्री सुगंध सिंह जी चौहान वो कृपया मंच पर पधारें, उनके सम्मान के लिए श्री अशोक कुमार जी यादव, परमानंद जी शर्मा है। आज के कार्यक्रम की सूचना जब हमने मास्टर शमशु सिंह जी को दी, उन्होंने नियुक्तियां दी है। अध्यापक हमेशा आदरणीय होता है, उन्होंने कहा कि मुझे मंच पे 2 मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाए। मैं आमंत्रित करता हूं मास्टर शमशु सिंह जी। सरफरोशी की तमन्ना, संतरासी की तमन्ना हाथ मेरे दिल में है, देखना चाहे कितने बाजे का सिर में। मैं आप जिन्हें मेरे गुरु जी बैठे हैं और कई पहले पंच बैठे हैं, अब मैं साइंस लाइफ से धावा मंजी मेरा पुत्र महादेव प्रसाद मेरा, आप ग्रेनेडियर से
1990 में लाल साहेब पद से सेवानिवृत्त होकर अभी वर्तमान में समाज सेवा से जुड़े हुए श्री दामोदर जी मीणा। जाबरमल जी का स्वागत करेंगे लामेट जी, मदनलाल जी और सुरेंद्र जी सोनी। जाबरमल जी मीणा साहब, इसी क्रम में मोतीराम जी मीणा कांस्टेबल और उनके परिवार से, हाँ वो खुद यहाँ छुट्टी लेकर होली पर आए हुए हैं, इनके सम्मान के लिए याकूब खान, गुटका सिंह जी और शंकरलाल जी सैनी पत्रकार, मोतीलाल जी मीणा आप मंच पर बता रहे हैं और इनके सम्मान के लिए इसी क्रम में विनोद कुमार जी मीणा, मैं उनके सम्मान के संतोष कुमार जी महर्षि, कांस्टेबल संतोष कुमार महर्षि, उनके परिवार से उनके पिता अश्वि शंकरलाल जी महर्षि वो मंच पर पधारे और इनके सम्मान के लिए मैं प्रेम रतन जी हमारे पार्षद साहब, उदय सिंह जी राठौड़ और सावरमल जी खाड़िया, श्री पिता श्री शंकरलाल जी महर्षि, आप तालियों की गड़गड़ाहट से इस माहौल को बनाए रखें। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है और ये बड़ा ही गरिमामय आयोजन है। इसी क्रम में सत्यप्रकाश शर्मा, उनके सम्मान के लिए मैं पूर्व पार्षद श्री राजेंद्र जी खांडल, सत्य प्रकाश शर्मा मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा, उनके सम्मान के लिए राजेंद्र प्रसाद जी खांडल, महावीर प्रसाद जी, इसी क्रम में महेंद्र सिंह जी राठौड़, उनके स्वागत के लिए मैं श्री हनुमान प्रसाद जी पिछड़िया और मुकेश नायक, महेंद्र सिंह जी राठौड़ के सम्मान के लिए, इसी क्रम में देवीलाल जी ढाका, अब मैं समझता हूं बस कुछ चुनिंदा नाम और हैं, मैं देवीलाल जी ढाका, सीताराम जी सिंगोदिया और लीलाधर जी शर्मा वो कृपया मंच के पास पधारें और नायक दिनेश कड़वासरा जिनका सम्मान उनके पिता श्री रामचंद्र जी कड़वासरा बोलेंगे, मैं सीताराम जी सिंगोदिया और लीलाधर जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच के पास पधारें। आपकी तरफ से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं आपके पिताजी श्री रामचंद्र जी कड़वासरा, आपको छुट्टी नहीं मिल पाई इसलिए दिनेश जी कड़वासरा हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। इसी क्रम में आगे सोमेन जी पुनिया के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कैलाश जी पुजारी, मोहन जी राणा, श्री सोमेश जी पुनिया, कांस्टेबल सोमेश जी पुनिया का सम्मान विराजमान है, उन्होंने सम्मान लिया, आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। कांस्टेबल ताराचंद जी, कांस्टेबल ताराचंद जी मीणा, कांस्टेबल ताराचंद जी मीणा का सम्मान करेंगे पवन कुमार वाल्मीकि, राजकुमार सैन और मांगीलाल जी जांगिड़, वो कृपया मंच पर आए। पुत्र श्री झाबरमल जी मीणा रतननगर, आप बीएसएफ में 2004 से बेंगलोर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हवलदार मालचंद जी जांगिड़, उनके परिवार से और उनके सम्मान के लिए मनोज सिंह जी राठौड़, दिनेश कुमार जी चुनेट और अनवर जी तेली, अनवर जी रतननगर में भी सेवा दे रहे हैं, मैं उनके सम्मान के लिए श्री शिवजी गोस्वामी, सुरेंद्र जी सोनी और विजय गोठवा साहब, उन तीनों को आमंत्रित करता हूँ। गिधारीलाल जी हाथ और माफी चाहूंगा, बजरंगलाल जी पीटीआई साहब, उनसे भी निवेदन करूंगा वो कृपया मंच के पास पहुंचे। बजरंगलाल जी पीटीआई साहब, आप आर्मी सप्लाई कोर में 1996 में भर्ती हुए थे, वह 524 एसी बटालियन से हवलदार के पद से 2013 में
सेवाकृत होकर हमारे बीच समाज सेवा में संलग्न है। श्री गिरधारलाल जी सिहाग सन 1987 में बाड़मेर से सेवानिवृत्त हुए थे। कांस्टेबल मरहूम फुले खान जी, पुत्र श्री मेहतू खान जी, आप बीकानेर रियासत की गंगा रिसाला की ऊंट बटालियन में भर्ती हुए थे। वह आजादी के बाद आपने ग्रेनेडियर से सेवानिवृत्ति प्राप्त की थी। माफी चाहूंगा, फुल्ले खान जी के परिवार से उमेर खान जी वो कृपया मंच पर पधारे। आज की अंतिम कड़ी के रूप में तो आपकी तालियों का शोर कुछ ज्यादा हुआ, एक बार आप जोर से इस ताल को हम सबकी तरफ से बहुत ही उल्लेखनीय काम के लिए हम सबको उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहिए, उनको बधाई देनी चाहिए। और हमें लगता है कि ये पंडाल लग गया, कुछ चेयर लग गई हैं, कुछ गिफ्ट दी गई हैं, पर ये नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है मन में जो एक भावना है और उस भावना के तहत इन्होंने दिन रात मेहनत करके और मतलब इनका ये सोच बहुत अच्छा था कि ये सेना के जो कार्यरत और सेवानिवृत्त लोग हैं उनका सम्मान करें। मैं अपनी तरफ से और जितने भी हमारे बाकी सेना के भाई लोग हैं जो शायद बोल नहीं पाएंगे, उनकी तरफ से मैं आयोजकों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें यहां सम्मान दिया। और सबसे अच्छा है ये इनकी भावना है जो हम सबको सम्मान देने की, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और चाहता हूँ कि आप ऐसे प्रोग्राम करते रहें। और यही नहीं, मैं गांव के बाकी लोगों से ये आग्रह करूँगा कि सिर्फ हम काम कर रहे हैं सेना में यही अब पूरा नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से कोई अगर इस बारे में हमसे कोई गाइडेंस चाहे या कोई तरह की मदद चाहे, उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आप लोगों के लिए हमेशा और इस गांव के लिए तो आपका यहां से जुड़ाव है, आपकी ये जो जन्मभूमि है उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। एक बार फिर से मैं आयोजकों का और पूरे ग्रामवासी जो यहाँ बैठे हैं उन सबका इस अनूठे प्रोग्राम के लिए और पालिका अध्यक्ष निकिता जी, मैं मूल रूप से एक साइंटिस्ट हूँ, टीचर भी हूँ, साथ में साइंटिस्ट भी हूँ, फिलोसोफर भी हूँ और वर्तमान में एक रतनगर की एक पुस्तक का भी काम चल रहा है। पिछले 5-6 वर्षों से मैं उसका कलेक्शन कर रहा हूँ और संभवतः दिवाली तक वो पुस्तक प्रकाशित हो जाएगी। और एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम उस समय मेरी इच्छा है इस काम में ऑर्गेनाइज करें। हमारे साइंस में एक थ्योरी चलती है बहुत बड़े वैज्ञानिक की, यंग बट ओल्ड और ओल्ड बट यंग, ये बात मुरारीलाल जी पे लागू होती है। आप इस समय नगर के सबसे वयोवृद्ध हैं, 95 इयर्स आपकी एज है, लेकिन आप सबसे जवान हैं। आप बूढ़े भी हो गए क्योंकि आपके बेटे पोते हो गए हैं, दो या हो गई। पहले तो मैं सोचता था रत्ननगर रत्नों की नगरी है, लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि रत्ननगर तो रणबांकुरों की भी नगरी है। कुछ 3-4 पुराने नाम मेरे दिमाग में है, वो मैं शेयर करना चाहूंगा, विशेषकर अपने रत्ननगर के राठौड़ परिवार से, कि पूरा राठौड़ परिवार
तलवार का भी धनी रहा है और कलम का भी धनी रहा है। आपके पूर्वज में ठाकुर थोर सिंह जी बीकानेर में गंगा निशाला में काम करते थे और बीकानेर का जो कोर्ट गेट है वहां पर अभी भी थोर सिंह जी के कोर्ट की, आप कभी बीकानेर जाए तो वो कोर्ट की जरूर देख के आए। उससे पहले अन्नपुरा के ठाकुर खंगार सिंह जी, वो भी बिहार के बीकानेर रियासत में मनसबदार के पद पर कार्यरत थे, चिराग डाकू को भी खत्म कर दिया और खुद भी शहीद हो गए। तो मेरे ख्याल से रत्नगर के वो सबसे पहले शहीद है ठाकुर मुकुंद सिंह जी। तो ये कुछ पुरानी स्मृतियां है जो मैंने आपसे साझा की है और आज का जो आयोजन है निसंदेह है ताबील के कारीफ है, समृद्धि के कारीफ है और इस तरह का आयोजन प्रतिवर्ष आप आयोजित करते रहे और इसमें आपको किसी भी तरह का सहयोग चाहिए, आर्थिक शारीरिक सामाजिक किसी भी तरह का, हमारे द्वार दिल दिमाग और तिजोरी के द्वारा हमेशा आपके भी खुले हैं। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं भी आपका हृदय से आभार हूँ। वर्धन के रूप में सभी यहाँ भोजन लेकर जाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप कोई भी इस आयोजन में बिना भोजन के नहीं जाएगा और मैं आपकी आज्ञा से इस प्रोग्राम के समापन की घोषणा करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे, धन्यवाद।